अस्सलाम वालेकुम यार, बहुत ही इजी वर्क आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना विड्रा रिकॉर्ड चेक यानी कि शो किया हुआ है। यहाँ पे आप देख लें, $10, फिर $12, फिर $14। अगर आप इनको कैलकुलेट भी करें, ठीक है, तो ये कुछ $36 जाके बनते हैं, ठीक है, जो कि एक वीक में जो है ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ना मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं इन $36 को 317 पे यानी कि तक ज़रब देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कोई 11,412 पे जाके बनता है, जो कि एक वीक पे अर्न किए हैं। यार आप भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपका सारा तरीक़ेकार आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो यार अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब भी कर दें। हौसला अफजाई के लिए आपने यहाँ से वीडियो को भी लाइक कर देना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप यहाँ पे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। उसके बाद इस टाइटल पे आपने क्लिक करोगे ना, यहाँ पे इस ये जो टाइटल है इस वीडियो को, यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको जो है साइट का लिंक मिल जाएगा। जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे आप, तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का जो है साइट का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपने अपनी ईमेल देनी है, यहाँ पे ईमेल दोगे, उसके बाद पासवर्ड डालोगे और गेट कोड पे क्लिक करोगे तो आपकी जीमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वो कोड आपने यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करोगे उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर जो है रजिस्टर हो जाता है। तो मैं भी अपना अकाउंट बना लेता हूँ। अच्छा यार, जैसे आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाता है ना, उसके बाद भी आपके पास इस तरह का इंटरफेस आता है। और यहाँ पे ना एक बैक तीर का जो है ऑप्शन है, ये ऊपर ऊपर टॉप पे देखें लेफ्ट साइड की तरफ, आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल देनी है, पासवर्ड देना है, उसके बाद जो है यहाँ से आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। तो मैं भी जो है अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट भी सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, साइन इन हो चुका है। तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आ जाता है। इस साइड पर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। दूसरी बार वीडियो बनाने का मकसद यह है कि यार बे इंतहा ये साइट पैसा दे रही है आपको, आप यहां से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। यहां पे अर्निंग करने के लिए यहां पे इन्होंने जो है यानी यहां पे आप ट्रेड करके जो है अर्निंग कर सकते हो। उसके लिए आपने यहां पे ट्रांजैक्शन वाले बटन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना तो ये कुछ इस तरह का जो है आपके पास इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद आपने जाना होता है मेरे भाई, आपको जो है मैं दिखा देता हूँ। तो यार यहाँ पे इन्होंने जो है अपना एक ऑफिशियल ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे ये आपको 24 आवर सिग्नल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना कि अगर आप ये 10 सिग्नल भी देखते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख लें 10 सिग्नल का इन्होंने एक यानी कि एक बॉक्स बना हुआ है। तो यहाँ पर 3, 4, 5 यानी कि 5 सिग्नल यानी कि 10 सिग्नल देते हैं सिर्फ 5 स्टेज तक ही। जैसे मैंने देखा है अब तक 5 और 6 इधर तक ही आपको जो है विन हो जाता है। यानी अगर आपके पास $10 हैं, $15 हैं, आप उनको 7 पे डिवाइड कर दो। मैं वो भी आपको एक ना चीज़ देता हूँ कैसे आप डिवाइड करोगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक कैलकुलेटर ठहरा है, यानी कि जो भी आपके पास अमाउंट होती है ना, चाहे वो $10 है, चाहे वो $20 है, ठीक है, यहाँ पर आप अपनी अमाउंट डालोगे, ठीक है। यहाँ पर इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर $10 हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इंटर अमाउंट लिखने के बाद मैं इंटर अमाउंट पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये मेरी अमाउंट डिवाइड हो जाती है 8 स्टेज तक। यानी कि पहला अगर वो सिग्नल देते हैं तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ 0.03, अगर ये फेल हो जाता है तो अगली ट्रेड में 0.07 पे लगाऊँ, अगर फिर भी फेल हो जाता है तो मैं 0.3 लगाऊँगा, 0.1 लगाऊँगा, फिर भी फेल हो जाता है 0.2 लगाऊँगा। यानी कि इस तरह आपको 8 स्टेज दिए हुए हैं, लेकिन ये जो साइट है ये आपको 5 सिग्नल तक जो है विन करा जाती है, विन दे देती है, यानी कि इन 5 स्टेज तक जो है आपको विन दे देती है, ठीक है। तो आप 5 स्टेज तक भी जो है अपनी जो भी अमाउंट है उसको आप वो कर सकते हो। बेहतर ये है कि आप 8 तक रखें, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों का पता नहीं होता, तो आप अपनी अमाउंट को 8 पे ही डिवाइड करके रखें ताकि आपकी जो है आपका जो लॉस है वो कम से कम हो। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि आप जो है यहाँ पे सिग्नल कैसे लगाओगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ना एक सिग्नल आया हुआ है, ठीक है, नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एक सिग्नल आया हुआ है, ठीक है। आखिरी 2 नंबर आपने देखने हैं, ये वाले 2 नंबर सिर्फ आपने देखने होते हैं पीरियड नंबर में, ये 2 नंबर आखिर पे आपने देखने होते हैं। जैसे 240 है ना, और अब मैं यहाँ पे देखता हूँ 240 नंबर चल रहा है, ये देखें
241 क्योंकि टाइम ऊपर हो चुका है, आप देख सकते हो 5 पूरी बच चुकी है, तो आप वो भी एक न्यू सिग्नल देंगे। बस आपने ये लास्ट दो नंबर देखने होते, जैसे 240 है ना, 40 था अब 41 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 5 मिनट चल रहे हैं और यहाँ से आपने 5 मिनट सेलेक्ट भी कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे बाय का बटन है आपके पास, आपने इस बाय वाले बटन पे क्लिक करना है, क्लिक करना है और यहाँ से अब आपने देखना है, ये देखें सिंगल का था तो सिंगल सेलेक्ट करोगे, ये देखें ये सिंगल, वो बिग भी बोल सकते हैं, स्मॉल भी बोल सकते हैं, सिंगल भी बोल सकते हैं, डबल भी बोल, जो बोले आपने उसको सिलेक्ट करना है। अब सिंगल का बोला है तो मैंने यहाँ पे सिंगल पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैं अपनी अमाउंट लिखूँगा, TRX में भी कर सकते हैं, डिपॉजिट USDT के थ्रू भी कर सकते हैं। TRX के थ्रू कैसे करना है ये भी आपको आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी अमाउंट डालोगे, यानी कि कितनी अमाउंट यहाँ पे लगानी है, तो यहाँ पे मैं अपनी अमाउंट डाल देता हूँ। मैंने 1 TRX लगाना है, 1 TRX यहाँ पे लिखने के बाद, इधर इस साइड पे यहाँ पे लिखने के बाद आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आपकी ट्रेड यहाँ पे लग जाएगी। उसके बाद आप आपके पास यहाँ पे भी रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। बेहतर ये है कि आप जो है सिग्नल को ही फॉलो करें, उसको देखें, अगर वो लॉस हो जाता है तो वो आपको अगला सिग्नल दे देंगे। जैसे ये देखें, ये आया हुआ सिग्नल 5 बजे का और पीरियड है 241। अब उन्होंने जो है सिग्नल दिया डबल का, तो आप ऐसे जो है यहाँ पे सिग्नल फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो विन हो जाता है उसके सामने टिक का निशान आ जाता है, जो लॉस हो जाता है उसके सामने कांटे का निशान आ जाता है। अब हम यकीनन आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप जो है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे ना, आपको जो भी आप ट्रेड करोगे ना, यहाँ पे आपको के पास रिकॉर्ड का भी बटन आ जाता है, यानी रिकॉर्ड वाले बटन पे क्लिक करके आप अपनी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद अब बात करते हैं कि आप जो है यहाँ पे रिचार्ज कैसे कर सकते हो, ठीक है। रिचार्ज करने के लिए सिंपल, यहाँ पर आपके पास रिचार्ज का बटन है, इस रिचार्ज वाले बटन पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ये आपके पास एक एड्रेस आया हुआ है, इस एड्रेस को आपने यहाँ से कॉपी करना है। मिनिमम आप 10 TRX या 10 USDT, बेहतर यह है कि आप TRX या USDT जिसके थ्रू आप खेलना चाहते हो वही डिपॉजिट करो। अगर मैं TRX यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने वॉलेट में, ठीक है। यहाँ पे मैंने 20 TRX वहाँ पे डिपॉजिट कर दिए हैं, ठीक है। या भी यहाँ पर आप टाइम डेट वगैरह भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये देखें, तो कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, जैसे ही यहाँ सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर मैं आपको लाइव एक ट्रेड खेल के भी दिखाता हूँ। अच्छा यार, यहाँ से जो है हमारी अमाउंट सेंड हो चुकी है, ठीक है। मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो सेंड। और अब हम जाते हैं अपने, यानी कि इसमें, इसको भी मैं जो है रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है कुछ टाइम बाद यहाँ पर भी जो है हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। अच्छा यार, यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमारे पास 20 TRX यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको लाइव जो है यहाँ पे कुछ सिग्नल फॉलो करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, इन्होंने जो है 5:16 पे जो है हमें एक सिग्नल दिया है, यहाँ पे नंबर देखें 244 है और डबल हमने सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद ये ट्रांजेक्शन का बटन है, यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बाय का बटन है, ये देखें ये वाला, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डबल सिलेक्ट करूँगा जो उन्होंने बोला है, डबल सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो है मैं अपनी अमाउंट लिखूँगा, यानी कि यहाँ पे मैं 1 TRX करना चाहता हूँ तो 1 TRX यहाँ पे लगा सकता हूँ, वरना मैं 0.5 से शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी उसका जो टेबल कैसे बनानी है आपने अपनी अमाउंट के लिए, आसे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंफर्म का बटन है, ये देखें, यहाँ पे क्लिक करूँगा कंफर्म वाले बटन में, ट्रेड पे क्लिक करूँगा, ये हमारी ट्रेड सक्सेसफुल हो चुकी है। अब यहाँ पे जो है आपके पास एक रिकॉर्ड का बटन है, ठीक है। इस रिकॉर्ड वाले बटन पे जाऊँगा, जाने के बाद यहाँ पे जो है हमारे पास एक ट्रांजेक्शन का बटन है, यहाँ पर जाऊँगा दरमियान में, और यहाँ पर देख सकते हो अभी जो है ये पेंडिंग में पड़ी हुई है, ये देखें नो प्राइस। अब यहाँ पर देखें मैंने सिग्नल फॉलो किए, कितने विन हैं, 3-4 लॉस हैं, बाकी 8-9 विन हैं। देखें यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी अमाउंट यहाँ से आप विड्रा कर सकते हो। मैंने सिर्फ एक हफ्ते में आपके सामने 11 से 12 हज़ार रुपये विन किए हैं, आप भी कर सकते हो जितनी अमाउंट उतने ज़्यादा पैसे, ठीक है। बाकी देखें, ठीक है, समझें इसको, अच्छी लगे तो ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी मैंने हर चीज़ आपको क्लियर वाज़े तौर पर बता दी है। विड्रा जो है आप मिनिमम $10 का, 10 TRX का यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दें अगली वीडियो के लिए, अल्लाह हाफिज़।